वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो आज हम दो तीन चीजों पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक तो पहला चीज हो गया ग्रुप डी और एनटीपीसी सेवन फेज का एग्जाम डेट पे, जो आप लोग डेली यूट्यूब पे जो देख रहे हैं अखबारों का कटिंग, इस पे चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि उसका रणनीति पे चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम का कम दिन बचा हुआ है तो क्या करें। देखो पहली बात है, तीन चार दिनों से मैं नहीं आ रहा था, थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही थी, तमाम सारी चीजें थी, आप लोगों की साइंस की क्लास भी रुकी हुई है। इस कारण उम्मीद है कि कल तक स्टूडियो में कुछ काम चल रहा है, कल तक ठीक होने के बाद आप लोगों का क्लास पुनः जारी किया जाएगा। अब देखो एग्जाम डेट पे आप लोग देख रहे हैं डेली लोग कुछ से कुछ क्या करेगा कि एक न्यूज का अखबार का लगा देगा कटिंग, और उसमें क्या बोला जाता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है अगस्त से शुरू हो रहा है, जुलाई से शुरू हो रहा है। और जब पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि उसमें कुछ नहीं था। तो आप लोगों से मैं यही कहने आया हूं यहाँ पे कि आप लोग इन भ्रम में ना रहे कि एग्जाम कब होगा कैसे होगा। जहां तक आप उम्मीद लग रहा है कि एग्जाम आपका 2021 में हो जाएगा, क्योंकि कोविड की जो केसेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है और बहुत सारे जगहों पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आप लोग प्लीज, क्या होता है कि आजकल के जमाने में हर आदमी एक फोन खरीदेगा, एक बोया का माइक खरीदेगा और यूट्यूब चैनल बना के किसी का 10 व्यू 50 व्यू 200 व्यू 4 वीडियो 5 वीडियो किसी भी चीज पे बना दिया, और लोगों को क्या होता है, इससे भ्रम फैलता है, स्टूडेंटों की परेशानी होती है, समय बर्बाद होता है, और आप लोगों की भी गलती है कि आप लोग उसको देखते हो। सबसे पहली बात है, तीन चार चैनल का मैं देख रहा हूँ डेली एग्जाम डेट पे चर्चा किया जा रहा है, डेली चर्चा किया जा रहा है, इतना सब्सक्राइबर होने के बाद भी। कम से कम ऑथेंटिक चीज और दस्तावेजों पे आधारित मैं हमेशा बोलता हूँ। आजकल इस व्हाट्सएप के दौर में क्या है कि बहुत सारे जो है इधर उधर की चीजें इतिहास का हिस्सा बनती नजर आ रही है। ऐसे में जो है नैन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल आप लोगों को दस्तावेजों पे हमेशा बात करता हूँ कि कहाँ का कटिंग है, क्या लग रहा है इस पे, और उसको मैं एनालिसिस करके बोलता हूँ। अब देखो एग्जाम डेट पे आप लोग टेंशन मत ले। जहां तक मुझे संभावना लग रही है कि अगस्त में जो है ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाना चाहिए और जुलाई के अंतिम सप्ताह में शायद एनटीपीसी का एग्जाम सेवंथ फेज का शुरू हो जाना चाहिए। अब रही बात रणनीति की, तो रणनीति पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और फिर बनाऊंगा जिस दिन बोर्ड पे आऊंगा। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो भी कंसेप्ट वाली चीजें हैं, एसपीडी वाली बुक वगैरह पढ़ते रहे और डेली एक टेस्ट जरूर दे, उसका एनालिसिस करें, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो तब तक आपको पता नहीं चलता है। तो बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद। साइंस वाली क्लास भी जल्द आएगी और जो प्लेलिस्ट में डली हुई क्लास है उसको आप लोग जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी कोई दस्तावेज आधारित खबर आप लोगों को ग्रुप डी संबंधित या एनटीपीसी संबंधित बताऊं तो आप तक पता चल सके। धन्यवाद।